हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये आता है आपके पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये टॉपिक जो है, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक, सबसे पहले आपके पास कि प्लेट होता क्या है, ठीक है, प्लेट्स क्या हैं, और दूसरा टेक्टोनिक क्या होता है, ठीक है, और इसके लिए क्या थ्योरी है। तो आपके पास हम जो ये पूरी थ्योरी है, इसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट इस थ्योरी में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेट्स क्या चीज़ हैं, ठीक है, प्लेट्स क्या होता है, और उसके बाद इनकी मूवमेंट को टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कहा गया कि जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उनको हमने टेक्टोनिक मूवमेंट कहा, और जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लैंड फॉर्म्स जो हैं, अलग अलग जो शेप हैं वो फॉर्म होते हैं। सो इस चीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेट्स क्या चीज़ हैं। अगर हम देखें किस पर, अगर हम देखें जी आपके पास आज के प्रेजेंट वर्ल्ड मैप देखें, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट में कि ये जो एक पीस है, ठीक है, ये आपके पास जो कॉन्टीनेंट है, ये कॉन्टीनेंट किस तरीके से दिख रहे हैं कि एक पीस ऑफ पज़ल, ठीक है, कि पज़ल के एक पीस की तरह दिख रहे हैं, कि जैसे ये पोर्शन यहाँ पर जाकर आपके पास फिट हो सकता है, और ये पोर्शन जो आपके पास यहाँ से लग रहा है कि ये इस पोर्शन से ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसे ही इन सभी को हमने क्या कहा कि ये जो आपके पास ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टीनेंट्स जो हैं ये प्लेट्स हैं, ठीक। तो इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट होती है, और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों मूवमेंट होती है और कितने टाइप की मूवमेंट होती है, ठीक, वो सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एक्सप्लेन की जाएंगी। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इज़ अ कंप्रेहेंसिव साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है, लार्ज स्केल मोशन ऑफ प्लेट्स, ओके, लार्ज स्केल मोशन ऑफ प्लेट्स। ये थ्योरी दी थी किसने, सबसे पहले आपके पास ये थ्योरी दी थी कि एक कैनेडियन जियोफिजिस्ट थे जिनका नाम था जे टी विल्सन थे जिन्होंने थ्योरी सबसे पहले दी। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेटर एक्सप्लेन किया मैकेंजी और पार्कर ने, ठीक है, मैकेंजी और पार्कर ने लेटरली इसको एक्सप्लेन किया 1967 में, इस थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। जे टी विल्सन ने 1965 में ये चीज़ दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि आपके पास प्लेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो प्लेट्स क्या चीज़ हैं, आर हार्ड एंड रिजिड, हार्ड और रिजिड जो हैं सेगमेंट्स होते हैं लिथोस्फेयर के, ठीक है। लिथोस्फेयर हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ है, लिथोस्फेयर अपर पोर्शन ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्या चीज़ कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या चीज़ है। देखो, अर्थ क्रस्ट को 12 मेजर प्लेट्स में बांटा गया, डिवाइड किया गया, जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक। ये प्लेट्स या तो कोलाइड करेंगी, या एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, ठीक, या फिर एक दूसरे के साथ डाइवर्ज करेंगी, ओके, ठीक, तो या एक दूसरे के साथ स्क्रैप अगेंस्ट ईच अदर, किस तरीके से जा रही होंगी, ठीक है, और न्यू लैंड फॉर्म्स कॉज करेंगी, ठीक है। उसके बाद द वर्ड टेक्टोनिक रेफर्स टू चेंज इन क्रस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेट इंट्रैक्शन। तो टेक्टोनिक को ही मैंने कहा कि मूवमेंट, कि भाई चेंज होगी प्लेट्स की इंट्रैक्शन की वजह से, जो अर्थ क्रस्ट पर जो चेंजिंग आएगी उसको कहा गया टेक्टोनिक। अब अगर हम वर्ल्ड की प्लेट्स देखें, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हमने थोड़ा बहुत प्लेट्स का नाम दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे आप देखो कितनी प्लेट्स हैं हमारे पास। हमारे पास वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो हमने सो कुछ मेजर और कुछ माइक्रो माइनर प्लेट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स आती हैं, ठीक है। मेजर प्लेट्स में आपके पास आ जाएगी अंटार्कटिका, और उसके बाद सराउंडिंग जो आपके पास एशिया है, ये वाला पूरा आएगा एक प्लेट आपके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरी आएगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आएगी आपके पास, ये रीजन यहाँ देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट लिखी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट ये रही आपके पास। फिर उसके बाद आ जाएगी आपके पास पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट आपके पास ये देखो यहाँ पर पैसिफिक प्लेट आपके पास दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद आपके पास इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, जिसमें हम ये वाला पूरे प्लेट को लिख देते हैं, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, ठीक। ये मेजर, ये जो आपके पास 7 मेजर प्लेट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तो आप देख लो कितने आपके पास 5 हो गई, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट आपके पास पूरी की पूरी, अफ्रीकन प्लेट हमारे पास हो गई, ये अफ्रीकन प्लेट आ गई पूरी, ठीक है। उसके बाद यूरेशियन और ये पूरी की पूरी आपके पास आ गई, यूरेशियन और बाकी प्लेट, ठीक है।
ये में ही मेजर प्लेट्स आपके पास। अगर हम माइनर प्लेट्स की बात करें तो उसमें आप देखो बहुत सारी हैं, इसमें आपके पास नाजका प्लेट है, उसके बाद आपके पास अब कैरिबियन प्लेट है, स्कॉटिश प्लेट है, तो बहुत सारी प्लेट आ जाती हैं आपके पास माइनर प्लेट्स के अंदर। ठीक है, अरेबियन प्लेट आ गई आपके पास, उसके बाद हम देखेंगे तो फिलिपिन प्लेट्स हैं हमारे पास, ये वाली फिलिपिन प्लेट्स आ गई, उसके बाद आपके पास फ्यूजी प्लेट है, तो कोकोस प्लेट है, बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी आती हैं इसके अंदर। अब बात करेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स बनी किससे हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर हम देखें, मैंने पहले ही कहा कि रिजिड लिथोस्फीयर यानी सख्त जो लिथोस्फीयर का पोर्शन होगा, ठीक है, लिथोस्फीयर हमने कहा कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक, उसका ये देख लें आप लिथोस्फीयर का पोर्शन, तो उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा और इसमें क्रस्ट और मेंटल पार्ट होता है, अपर मेंटल, ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल, यहाँ से लिथोस्फीयर का जो पार्ट है ये आपके पास प्लेट्स के अंदर आता है। ओके, तो हार्ड एंड रिजिड, रिजिड हो गया सख्त, ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं लिथोस्फीयर का वो पोर्शन जो हार्ड और सख्त हो उससे बनी होती हैं प्लेट्स। अब प्लेट्स के नीचे क्या है, ठीक है, बिलो द लिथोस्फीयर विच मेक्स अप द टेक्टोनिक एस्टिनोस्फीयर, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऊपर वाला पोर्शन को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो उसके नीचे वाला पोर्शन है ये एस्टिनोस्फीयर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लेट मूवमेंट्स, कि प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होगी। तो प्लेट्स की जो मूवमेंट्स की बात करें, प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर आर मूव अराउंड बाई द अंडरलाइंग हॉट मेंटल कन्वेक्शन सेल्स। मेंटल मैंने आपको कहा, मेंटल एक चीज़ होती है, इनर कोर हो गया, उसके बाद आउटर कोर है, फिर मेंटल आ गया, तो मेंटल के कन्वेक्शन सेल्स से, कन्वेक्शन हम क्या कहेंगे कि हीट अप की वजह से, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से, ठीक, ये जो आपके पास देख लें आप कि प्लेट्स मूव कैसे कर रही हैं, इंटीरियर से हॉट मटेरियल जो है वो टॉप की तरफ आ रहा है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ से ये मूव कर रहा है और कूल डाउन होकर वापस ही डाउन की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पूरे की वजह से ये प्लेट्स की मूवमेंट होना शुरू होती है, इसको हम फर्दर आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। अब प्लेट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज क्या हैं, उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जितना भी हम देखें अगर मेजर चीज़, तो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होगी, यानी ये इसकी बाउंड्री रहेगी ये वाली, तो यहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, प्लेट बाउंड्रीज पर एक्टिवेट होंगे जब की सब एक्टिविटीज़ होंगी, तो इसको हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि प्लेट बाउंड्रीज क्या हैं। तो अगर हम अभी आज इस टॉपिक में हम सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज हैं वही डिस्कस करेंगे, सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज की टाइप्स के नाम देखेंगे और जो इसका बाकी चीज़ें हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो प्लेट बाउंड्रीज अगर हम देखें तो ये तो आपके पास तीन तरीके की है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्ज होना यानी अलग अलग होना, एक जगह से दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव होना, जिस तरीके से ये बताया गया ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, तो ये दोनों अपनी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में एक जगह से मूव हो रही हैं, इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट मूवमेंट। और कन्वर्जेंट क्या है कि दो अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक जगह पर मिलना, इसको कन्वर्जेंट मूवमेंट कहेंगे। और ट्रांसफॉर्म क्या है कि भाई एक दूसरे के देख लें, देखिए इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल साथ से गुजर जाना, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेवल में डिस्कस करेंगे, आज के लिए हमारे पास इतना ही है, थैंक यू।